कभी पास में बैठो रहा है, ना ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना, कल कहे कल इसलिए अवतारे ना है वो हम ना है मने बिल्कुल। अब देखो तीसरे कवि ने दो कवियों की कल्पना फेल कर दी, अवतार इसलिए नहीं हुआ। अच्छा तो तुम बताओ किस लिए अवतार हुआ है, याद रखना विचार विमर्श हुआ। गोविंद पकड़ो से क्या है, एक समय की बात, तीसरा कवि कल्पना कर, ध्यान देना जरा। इधर महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या, और गौतम ऋषि सुबह सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। इंद्र ने एक दिन अहिल्या को देखा, क्योंकि अहिल्या खूबसूरत थी, इंद्र मोहित हो गया, छल करने के लिए तैयार हो गया। चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा मेरा एक छोटा सा काम बना दे, यानी तीसरा कवि कल्पना कर रहा है भैया। कमलेश ओरे है इंद्र चला ओरे छल करने ओरे करने को चला है गौतम की तरह। ओ मेरे यार आवाज लगा दे मुर्गे की तरह, मेरे यार आवाज लगा दे मुर्गे की तरह, मेरे यार आवाज लगा दे मुर्गे की तरह, मेरे यार आवाज लगा दे मुर्गे की तरह। I'm not afraid to die.
पास पहुंचा और चंदा मेरा एक छोटा सा कार्य बना दे। आज चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ, मुझे गौतम की पत्नी अहिल्या का हरण करना है।